हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू शिक्षा। तो गाइस, दिस इज लेक्चर नंबर 10 फॉर इंश्योरेंस। और मैं बात आपको क्लियर कर देता हूँ इस लेक्चर के अंदर कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले कुछ दिन हमारे ख़राब ज़रूर हुए हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए सर इंश्योरेंस के लेक्चर जो है वो कम्प्लीट करो, कंप्यूटर के पिछले कुछ दिन जो ख़राब हुए हैं वो पूरे तरीके से उसकी भरपाई जो है वो की जाएगी। आप उसका बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। तो जितने लेक्चर्स हमने पिछले दिनों में कम डाले हैं उससे डबल लेक्चर्स डाल करके उसको फिल मैं करूँगा, डो नॉट वरी अबाउट दैट। दिस विल बी लेक्चर नंबर 10। इसके अंदर जो हमें टॉपिक मेनली करना है, हम मेराइन इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। मेराइन इंश्योरेंस तो उसको उससे रिलेटेड हम यहाँ पर एस्पेक्ट्स को देखेंगे। ऑलराइट, बिफोर गोइंग इनटू दैट गाइज, ये एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स है, इसके बारे में तो आप ऑलरेडी जानते ही हो। एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स में आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी गैप, इन सब के एमसीक्यूज मिलते हैं। साथ ही साथ जितने भी यूट्यूब पे लेक्चर्स हो रहे हैं उसके पीडीएफ भी इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आप एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स लेते हो तो आपको पीडीएफ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके ऊपर आप एक कोड यूज़ करेंगे यूपीएससी ईपीएफ को, जो आपको 50% ऑफ जो है इसके अंदर देगा। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइड एंड आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू टेक दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स। फटाफट से आ जाएंगे अब हमारे टॉपिक के ऊपर जो है मेराइन इंश्योरेंस का। तो मेराइन इंश्योरेंस वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है। देखो, आज की डेट में भी जो बल्क ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, बल्क ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है? सड़क से तो हो नहीं सकता, बीच में समंदर है, ट्रेन से नहीं हो सकता, एयर ट्रांसपोर्टेशन बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो जो मेजर ट्रेड होता है ना, बल्क ट्रेड होता है, वो समंदर के रास्ते से ही होता है, ओशन के रूट से ही होता है। और ये आज की बात नहीं है, ठीक है। जब से इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा है पिछले 400-500 साल अगर आप देखोगे तो वो मेराइन रूट्स के थ्रू ही ट्रेड जो है वो होता है। और इसी वजह से इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि जब लोग ट्रेड करने के लिए निकलते थे तो उनको इंश्योरेंस की जरूरत फील हुई। रस्ते के अंदर भाई बड़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जब आप बाय सी आ रहे हो। इसको ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस भी इसीलिए बोला जाता है। इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ था 16th सेंचुरी के अंदर मेरे इंश्योरेंस। इसके अंदर वेरियस एरियाज कवर हो जाते हैं, जैसे जो बेसिकली आपके एक जर्नी को इफेक्ट करते हैं, फायर हो गया, कोलिजन हो गया दो शिप्स का, या जैसे टाइटैनिक का कोलिजन हो गया था आइसबर्ग के साथ, ठीक है, सिंक हो गया, स्टॉर्म आ गया, टाइफून आ गया, हरिकेन आ गए, वॉर पेरिल, लड़ाई के समय पे शिप को किसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, के या फिर एडिशनल पेरिल्स जो बेसिकली इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन्ड होंगे। अब मेरेन इंश्योरेंस के ना अलग अलग पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो पीरियड के बेसिस पे हम मेरेन इंश्योरेंस को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले होती है टाइम पॉलिसी। टाइम पॉलिसी जो होती है वो जनरली कितने टाइम की होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने की, 12 महीने से ऊपर की नहीं होती, ठीक है। तो 12 महीने के लिए आपने अपनी शिप का इंश्योरेंस करा लिया तो वो टाइम पॉलिसी हो गया। दूसरी होती है वॉयज पॉलिसी। वॉयज क्या होता है? बेसिकली जर्नी फ्रॉम वन पॉइंट और फ्रॉम वन वेयर हाउस, जहाँ से गुड्स बेसिकली जा रहे हैं, और दूसरी कंट्री में जहाँ पर गुड्स बेसिकली, एक एक्सपोर्ट कंट्री होगी, एक इम्पोर्ट कंट्री होगी। तो एक्सपोर्ट कंट्री के वेयर हाउस से जब गुड्स निकले इम्पोर्ट कंट्री के वेयर हाउस तक पहुँचने में, तो ये पूरे का पूरा क्या है इसका? वॉयज। तो इस पूरे वॉयज को आप इंश्योर कर रहे हो, ठीक है। जो एक्सपोर्टर है या जो इम्पोर्टर है वो अपने इस वॉयज को इंश्योर कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉयज पॉलिसी। तो बेसिकली ये वॉयज के टाइम पर वेरियस कवरेजेस उसके आ जाएंगे, उसके गुड्स भी कवर हो जाएंगे, फ्रेट भी कवर हो जाएगा, अलग अलग एरिया। फ्रेट क्या होता है? भाड़ा, जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली वॉयज पॉलिसी जो है, जो भी गुड्स हैं उनको वेयर हाउस टू वेयर हाउस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। फिर आ जाती है जी मिक्स्ड पॉलिसी। मिक्स्ड पॉलिसी के अंदर बेसिकली क्या होता है? इसके अंदर टाइम पॉलिसी और वॉयज पॉलिसी दोनों के जो हैं वो मैटर इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर वॉयज वाला भी है और इवन सम पीरियड ऑफ टाइम देयर आफ्टर, ठीक है। वेयर हाउस से वेयर हाउस तो पहुंच गया, ये वेयर हाउस में तो पहुंच गया, जब ये वेयर हाउस में पहुंच गया उसके बाद भी सर्टेन टाइम तक ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, जब तक ट्रू ओनर इसकी कस्टडी ना ले ले, फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद जी बिल्डिंग रिस्क पॉलिसी। बिल्डिंग रिस्क पॉलिसी जो है ये उन वेसल्स को, जो बेसिकली शिप्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन शिप्स को ये एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि भाई कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही उसका कुछ लॉस हो गया तो उसके लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो आपकी बिल्डिंग रिस्क होती है। तो ये आपको याद रखना है। टाइम पॉलिसी आपको समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको रट्टा लगाने की किसी में भी ज़रूरत नहीं है, बेसिक एक आइडिया रखना। टाइम पॉलिसी क्या हो गया, वॉइज पॉलिसी क्या हो गया, मिक्स्ड पॉलिसी क्या हो गया, बिल्डिंग रिस्क पॉलिसी हो गया, एक बार समझ लिया
बस सफिशियंट है, रट्टा लगाओगे इसके अंदर देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। अब चार कैटेगरीज होती है मरीन इंश्योरेंस की, एक होती है आपकी मरीन हल इंश्योरेंस, एक मरीन कार्गो पॉलिसी, फिर फ्रेट इंश्योरेंस और फिर आ जाती है लीगल लाइबिलिटी इंश्योरेंस। तो इनके अंदर क्या होता है एक एक करके देखते हैं। तो मरीन हल इंश्योरेंस बेसिकली वेसल को कवर करती है, जो शिप है, ठीक है, जो शिप है ना ये उसको कवर करती है, शिप का इंश्योरेंस है ये एक तरीके से, ठीक है जी। अब ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए कवर करेगी, ज़्यादातर एक साल की पॉलिसी होती है, उसके अंदर अब ये वेरियस पार्ट्स को कवर कर सकती है, जो हल है, जो मेन बॉडी है, ठीक है, उस शिप की उसको कवर करेगी, मशीनरी को कवर करेगी, उसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ हुई हुई है उस उन सारी आइटम्स को ये कवर करेगी। मरीन हल पॉलिसीज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखना है, दिस इज नॉट असाइनेबल विदाउट द इंश्योरर्स कंसेंट। इसका क्या मतलब है, टेक्स्ट को बाद में देख लेना, पहले कहानी समझ लो। बेसिकली आज एक शिप है, ये ए की है, और ए ने मरीन हल इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है। अब ए ने ये शिप बी को बेच दी, ए ने ये शिप बी को बेच दी, अभी इंश्योरेंस एक्टिव है और बी को बेच दी, तो क्या ऑटोमेटिकली ये जो इंश्योरेंस है ये बी को भी मिल जाएगी? तो मरीन हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या रूल है कि नहीं भैया, ये ऑटोमेटिकली बी को नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस इज नॉट असाइनेबल। हाँ, अगर जिस कंपनी से ए ने इंश्योरेंस ली है, फॉर एग्जाम्पल एक्स कंपनी से ली है, एक्स अगर अप्रूव करता है कि भैया ए और बी की सेल को अप्रूव करता है और उसके बाद बोलता है कि हाँ जी दिस पॉलिसी कैन बी असाइंड टू बी ऑल्सो, उस केस में तो वो हो जाएगी, नहीं तो अल्टीमेटली ये ए से बी के पास नहीं जाएगी, ये पॉलिसी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी जब ए ने बी को जो अपनी शिप है वो बेच दिया, ओनरशिप या मैनेजमेंट जिसको जो भी आप कह रहे हो, ठीक है। तो मरीन हल इंश्योरेंस जो है दिस इज नॉन असाइनेबल, ठीक है, उसको आप पॉलिसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते नए ओनर को। अब आपको होगा कि सर पॉलिसी कैंसिल हो गई एक तरीके से, ट्रांसफ़र करने नहीं दे रही इंश्योरेंस कंपनी, तो इसने जो प्रीमियम पे किया है तो जो भी इसका बैलेंस प्रीमियम अमाउंट होगा ना बैलेंस पीरियड के लिए, वो इसको रिफंड कर देंगे, ए को रिफंड कर देंगे। बट अगर इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया कि नहीं हम अपनी पॉलिसी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो फिर आप नहीं कर सकते उसके अंदर, वो एज अ राइट आप उसको नहीं बोल सकते। इंश्योरर अप्रूव करता है नए ओनर को तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मरीन हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो नॉन असाइनेबल होती है, ये याद रखना। फिर आ जाते हैं आपकी मरीन कार्गो पॉलिसी, ये बेसिकली कार्गो को प्रोटेक्ट करती है, जो शिप के अंदर कार्गो आप लेकर के जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, ठीक है, और ये जनरली वॉयज स्पेसिफिक होती हैं, वॉयज पॉलिसी होती हैं, ठीक है, हर वॉयज की अलग पॉलिसी ये निकलती है, ये फ्रीली असाइनेबल होती है, ये असाइनेबल होती है। असाइनेबल का मतलब क्या है, क्योंकि देखो जब आप गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं ना, वो ओनरशिप बदलता है बार बार, ठीक है। एक बंदे के वेयर हाउस से आपने खरीदे, हो सकता है वहाँ पर कोई ब्रोकर हो, एक्सपोर्टर हो, उसने इस वेयर हाउस से परचेज किए होंगे, ठीक है, फिर इस ब्रोकर ने फर्दर क्या पता किसी सेकंड ब्रोकर को बेचे हों। अल्टीमेटली ये जहाँ जिस कंट्री के इंपोर्ट होकर के जा रहे हैं, जिस कंट्री के वेयर हाउस तक पहुँचेंगे ये, वहाँ तक क्या पता 10 बार इसकी ओनरशिप बदल जाए। तो ये तो प्रोसेस ही ऐसा है जिसके अंदर जो ओनरशिप है वो टाइम एंड अगेन बदलेगी, इसीलिए इसको असाइनेबल रखा गया। और इसमें आपको इंश्योरर का कंसेंट भी नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे ही जो नया असाइनी है उसके पास गुड्स की कस्टडी आ जाती है, या वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट एक्वायर कर लेता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि अगर उसमें नुकसान हुआ, उन गुड्स को कुछ नुकसान हुआ, तो उस पर्टिकुलर बंदे का नुकसान हो रहा है, तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस पॉलिसी उसको कवर करेगी, ठीक है, अगर वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट एक्वायर कर लेता है। ऑलराइट, नाउ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ओनरशिप जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब मरीन कार्गो पॉलिसी में जनरली जो रिस्क कवर होते हैं, डैमेज हो गया गुड्स को फायर की वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से, ठीक है, जो वेसल है, जो शिप है वो संक हो गई, या उसको पायरेट्स ने लूट लिया, ओवर टर्निंग और डीरेलमेंट ऑफ लैंड कन्वेयंस। बेसिकली देखो अब शिप ने पोर्ट तक पहुंचा दिया, वेयर हाउस टू वेयर हाउस की पॉलिसी है, पोर्ट से वेयर हाउस तक रेलवे पे से जा रहा है, अब ये रेलवे से जब जा रहे थे गुड्स तो ये ट्रेन पलट गई जिसकी वजह से गुड्स खराब हो गए, वेसल का कोलिजन हो गया किसी दूसरी वेसल के साथ या किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे आइसबर्ग वगैरह या माउंटेन कोई क्लिफ है, ठीक है। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ कार्गो एट द पोर्ट ऑफ डिस्ट्रेस, कोई डिस्ट्रेस पोर्ट था वहाँ पर मजबूरन कार्गो को वहाँ पर छोड़ना पड़ा, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, लाइटनिंग, ठीक है, और उसके बाद जनरल एवरेज सेक्रीफाइस, जेटिसन, ये सब बेसिकली क्या होता है, शिप डूबने वाली है तो आपको कई बार वेट कम करना पड़ता है, तो उस केस में आपको गुड्स को थ्रो करना पड़ता है सी के अंदर, या समंदर का पानी आपकी शिप के अंदर घुस गया ड्यूरिंग अ टाइफून और एनी सच थिंग, ठीक है। और
इसके साथ साथ एक यहाँ पर पॉइंट और लिखा है, एनी अदर रिस्क नॉट स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड इन द पॉलिसी ऑफ द क्लॉजेस। तो सारे रिस्क जो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं किए गए हैं पॉलिसी के अंदर, एक्सक्लूजन लिस्ट होनी चाहिए कि भाई ये रिस्क नहीं कवर होगा, ठीक है, अगर वो नहीं लिखा गया तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कवर हो जाएगा। ओके, नाउ मेराइन कार्गो पॉलिसी के अंदर ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ कि कई बार जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना वो वेयर हाउस टू वेयर हाउस होती है। सो वेयर हाउस टू वेयर हाउस में क्या होता है, आपको पोर्ट से वेयर हाउस टू आप किसी दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेकर के जा रहे हो, इनलैंड भी तो है ना, रेल या रोड के थ्रू, तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ इनलैंड ट्रांजिट के अंदर भी फायर, लाइटनिंग, ब्रिज टूट गया, कोई कोलिजन हो गया, ओवर टर्निंग हो गया, डीरेलमेंट हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर जनरली कवर्ड रहती हैं। फिर आ जाता है आपका फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट क्या हो गया, बेसिकली जो आप भाड़ा दे रहे हो, किराया दे रहे हो, ठीक है, जो आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए और जिसकी भी आपने शिप यूज की है उसको जो आप एक तरीके से रेंट दे रहे हो वो फ्रेट होता है। तो अगर शिप सिंक हो गई तो आपने फ्रेट ऑलरेडी जनरली इन वाले जो ये शिप्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, फ्रेट हमेशा एडवांस में होती है। अब शिप डूब गई, तो शिप डूब गई, आपका सामान तो गया ही गया, आपने जो भाड़ा पे किया था, आप देखो क्योंकि भाड़ा ऐसा नहीं होता, ये जो फ्रेट होता है ऐसा नहीं होता कि दिस इज इन वेरी फ्यू थाउजेंड, हाई कॉस्ट होती है इसकी भी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप यूएसए से अगर इंडिया में फ्रेट देखोगे तो काफ़ी हाई फ्रेट मिलेगा उसका आपको, तो अगर शिप सिंक होगी तो आपके फ्रेट का भी नुकसान हो गया। तो उस केस में जो कार्गो ओनर है वो अपने फ्रेट को भी इंश्योर करता है कि भैया जो ट्रांसपोर्टेशन के जो मैंने चार्जेस पे किए थे क्योंकि अब ये शिप डूब गई और मेरे गुड्स मुझ तक नहीं पहुंच पाए, तो ये जो मैंने किराया पे किया है, जो मैंने रेंट पे किया है, जो भाड़ा पे किया है, जो फ्रेट पे किया है, वो भी मैं रिकवर कर लूँ, उसके लिए आपका फ्रेट इंश्योरेंस हो। देन आ जाते हैं आपकी लीगल लाइबिलिटी इंश्योरेंस। ये एक तरीके से अगेन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है कि आपकी वजह से अगर किसी थर्ड पार्टी को लॉस हुआ है, ठीक है, शिप की वजह से किसी थर्ड पार्टी को लॉस हुआ है, किसी को पर्सनल इंजरी हो गई या किसी के गुड्स डैमेज हो गए, फॉर एग्जांपल एक शिप की दूसरे शिप के साथ कोलिजन हो गया, ठीक है, तो दूसरे शिप वाले को आपको इंश्योरेंस पे करना पड़ रहा है बिकॉज इट वॉज योर मिस्टेक। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली रनिंग डाउन क्लॉज आ जाता है। रनिंग डाउन क्लॉज क्या होता है, बेसिकली शिप ओनर को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, अगर नेग्लिजेंट ऑपरेशन था और उसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी में डैमेज हुआ है तो उसको एक तरीके से कवर करता है। जैसे हम अपने मोटर व्हीकल्स में लेते हैं ना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, वही है आपका लीगल लाइबिलिटी इंश्योरेंस। तो दिस इज ऑल अबाउट मेराइन इंश्योरेंस गाइस, जो हमें कवर अप करना था। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ के अंदर नहीं जाना, इसकी अगर टेक्निकलिटीज़ के अंदर जाए तो काफ़ी कुछ है, बट इतना हमने जान लिया हमारे लिए बहुत है, सफिशियंट है। ओके, तो दिस इज इट, एंड इसका PDF तो आपको पता ही आपको मिल जाएगा, एंड बाकी कोई डाउट हो व्हाट्सएप करो, मेल करो या टेलीग्राम करो। बार बार बोल रहा हूँ प्लीज़ डायरेक्टली कॉल्स मत करो, मैं कॉल्स डायरेक्टली पिकअप नहीं कर पाऊँगा, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, ये किसी कस्टमर केयर का नंबर नहीं है, सपोर्ट स्टाफ का नंबर नहीं है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, और इसके ऊपर मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि आप व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप जो भी आप करोगे उसमें अगर कॉल पे भी बात करने वाली होगी तो हम कॉल शेड्यूल कर लेंगे, ठीक है, लेकिन इतना फ़ोन अगर आप बजाओगे तो वो प्रॉब्लम होगा, कॉल्स मैं पिकअप नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो पहले व्हाट्सएप करो या मेल करो या टेलीग्राम करो, हम टाइम सेट करेंगे और फिर हम कॉल पर भी डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, टेक केयर एंड बाय।